मेन जो यहाँ से बहुत सारी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है बीना रावत। आज हम लोग जा रहे हैं पौड़ी। हाँ, पौड़ी जा रहे हैं, तो आज मैं वहाँ का व्लॉग बनाऊँगी, आपको घुमाऊँगी पौड़ी। पौड़ी हमारे घर से कितना किलोमीटर दूर है? 15 किलोमीटर दूर है यहाँ से, मेरे घर से, रैदुल से। तो ये जो कच्ची रोड है, इसी से हम लोग जाएंगे बसुंडा खाल तक, और फिर वहाँ से तो फिर पक्की रोड आ जाती है। तो मैं आपको जो जो भी लोकेशन होगी वहाँ दिखाऊंगी, जो भी पौड़ी का जो भी होगा फेमस वो भी दिखाऊंगी। देखते हैं, एक्चुअली हम लोगों के पास टाइम तो कम है, तो इस कम टाइम में हमें बहुत सारे काम करने हैं। तो जो भी जितना भी होगा सब मैं कोशिश करूँगी कि इसमें रिकॉर्ड कर सकूँ और आप लोग देख सकें। गाड़ी साफ़ हो रही है अभी, इसके बाद निकलते हैं। और यहाँ ये कुछ लड़कियाँ हैं जो कि ईंट सार करके ले जा रही है अपने घर ऊपर, बहुत ऊपर, सबसे ऊपर ले जाना है इन्हें। और इन लड़कियों से हमने पूछा, ये कॉलेज में पढ़ रही है, देखो कितनी मेहनत कर रही है। कच्ची रोड से पक्की रोड पर हम लोग पहुंच चुके हैं, और जैसे जैसे हम पौड़ी के नज़दीक पहुंच रहे हैं वैसे वैसे ठंड ज़्यादा लग रही है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर एक तो घने पेड़ हैं, जंगल का रास्ता है, और दूसरा पौड़ी थोड़ा हिमालय के नज़दीक भी है, इसलिए भी ज़्यादा ठंडा होता है वहाँ। यहाँ हम थोड़ा गाड़ी को भी दिखा रहे हैं कि आगे फर्दर प्रॉब्लम ना आए बैटरी की। तो ये है पौड़ी का, पौड़ी की मार्केट है, मेन मार्केट तो नहीं है पर हाँ, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ठंडा हो रहा है, एक्सट्रीम ठंडा हो रहा है। लोगों ने यहाँ स्वेटर वगैरह भी पहन रखे हैं। फिलहाल रोड पे से ही थोड़ा सा वीडियो बना रही हूँ। पौड़ी अभी आगे है मेन मार्केट में, तो वहाँ पर तो थोड़ी देर में वहाँ पर भी जाएंगे हम लोग। ये है पौड़ी की मेन मार्केट, और यहाँ हम लोग गाड़ी पार्क करके अब जा रहे हैं रेस्टोरेंट में कुछ खाने पीने के लिए। मौसम बहुत ही अच्छा है इधर। ये है पौड़ी, और मेन जो है मेन पौड़ी यही है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्राउडेड, और बिल्कुल शहर जैसा वो है यहाँ पर। ठंडा बहुत है, ये लोग आगे चलेंगे। यही था, ये बिस्ट लॉज है, और यहाँ पर मुझे याद है हम लोग शादी के लिए आए थे 5-6 साल पहले, कविता की शादी हुई थी। और आज यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं है, वरना ये पौड़ी तो बहुत ही क्राउडेड रहता है। आज संडे है, इस वजह से शायद भीड़ कम है। हाँ यही है फैमिली रेस्टोरेंट, इसके अंदर लंच करने के लिए जा रहे हैं। ये देखो यहाँ ये नज़ारा है, ये रेस्टोरेंट है। कैसा वैसे रात को अच्छा लगता होगा, है ना? बहुत खाते तो इन लोगों ने ऑर्डर किया है चाउमीन, ये आ गया हमारा चैसा, और अभी और भी चीज़ें आएंगी। भैया मान सिंह का ढाबा भी है क्या? झंगोरी की खीर, बहुत पुराना मान सिंह ढाबा। ये है बंटी की, साथ में कोल्ड ड्रिंक, खाना टेस्टी है। आ जाओ मिस्टर, बहुत अच्छा खाना था यहाँ का। लोगों ने लिए हैं यहाँ से बहुत सारी सब्जियाँ घर ले जाने के लिए, और अभी सब्जी बनाएंगे वहाँ पर, सुबह के लिए भी चाहिए फिर। और अब खा पी के हम लोग निकल रहे हैं सीधा रैदुल, गाड़ी हमारी वहाँ पर पार्क है। लकड़ियों हमने यहाँ पर गाड़ी रोक रखी है क्योंकि यहाँ पर व्यू बहुत सुंदर है, और सोच रही हूँ कि 2-3 वीडियो यहाँ पर मैं बनाऊँ, वरना मिलेगी नहीं ऐसी लोकेशन आपको। आज तो मौसम बहुत ही प्यारा है, बहुत ठंड है। ये देखो नज़ारा, वाह,
यहाँ से दिखाती हूँ आपको। एक तो यहाँ पर ना लोगों ने कांच ही कांच कर रखे हैं, बोतलें तोड़ के फेंकी हैं। पौड़ी वो है सामने, नहीं ये वो रील है जो मैंने इस लोकेशन पे शूट की थी, क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा था और अगर मैं इसे राइट साइड में शूट करती तो पीछे पूरा पौड़ी का नज़ारा दिखना था, पर लोगों ने यहाँ पर कांच की बोतलें तोड़ करके फेंकी हुई थी, इसलिए थोड़ा रिस्की था। तो आप ये रील मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जा कर के देख सकते हैं वीना रावत नाम से। वहाँ खाने के बाद हम लोग दोबारा यहाँ खा रहे हैं, पता नहीं यहाँ पर भूख इतनी क्यों लग रही है। तो ये मैं खा रही हूँ, मम्मी ने बना के रखा हुआ है, इसमें है राइस, दाल, ये है मटन, ये है काजू कतली, ये है दाल और ये है मूंग के पत्तों की सब्जी जो हमारे खेत से आई है।